हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू अभिषेक वीएनएस ब्लॉग। तो गाइस, हम लोग आए हुए हैं जस्ट अपने घर के बगल में ही। मेरे घर से ही जस्ट 10 मीटर ही, 20 मीटर मान लीजिए कि बगल में ही बस मेरे है यहाँ पर भी होलिका दहन होने के लिए। सो हम लोग वहीं पर आए। इस समय रात का बज रहा 10:30 और 11:30 बजे तक यहाँ पर आग लगने का टाइम है। सो हम लोग वहीं पर आए हुए हैं और अभी लगने में कम से कम आधे घंटे या पौन घंटे टाइम है आपको। चलिए मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे होलिका दहन जो लगने और आग लगते हुए कम से कम 1 घंटे बाद है। और इस वीडियो को भी मैं कवर करूँगा और साथ में चलता हूँ। आइए चलते हैं। हे गाइस, यहाँ पर पूजा का तैयारी हो गया है और ये जो रेड कलर का धागा है इसको हमारे यहाँ नारा कहते हैं और इसको चारों साइड लपेटा जाएगा। लेकिन मुझे ये आप जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ ये क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ तो इसको नारा के नाम से लोग जानते हैं और ये शॉर्ट का लपेट के इनको चढ़ाया जाता है। ऑलरेडी बस 10 से 15 मिनट लगेगा और फिर इसमें आग लगता है, तो अब वीडियो कवर करते हैं फिलहाल। हे गाइस, आप देख रहे हैं कि मैं इस समय कहाँ बैठा हूँ। मैं इस समय सब्जी की एक दुकान पे बैठा हूँ और ये सब अपने भाई लोग ही हैं, अपने पड़ोस में ही रहते हैं और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और पीछे आप वहाँ देखिए, वहाँ होलिका दहन होने वाला है, वहीं पर लगा हुआ है वो। और वहाँ से मैं यहीं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ उसके जलने का। और गाइस, मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो गाइस, यहाँ पे मैं उसका वेट कर रहा हूँ और जैसे ही जलता है तो मैं उसका चल के वीडियो कवर करता हूँ। तब तक के लिए आप कन्याकुमारी से लेकर गुरुनाथ कलकत्ता तक खाली फगुए के हल्ला बा। का हल्ला है? कौन चीज का हल्ला बा? न बुझाई तोरा ध्यान से सुना। हे गाइस, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माँ होलिका को माला अर्पण कर रहे हैं और यहाँ पे 2-3 ऐसे माला इनको पहनाया जाएगा और इसके साथ गुलाल भी उड़ाए जा रहे हैं। और अपने प्रहलाद जी भी हैं, प्रहलाद जी को भी एक माला अर्पण करेंगे और धीरे धीरे इनको 2 से 3-4 माला पहनाएंगे। जो भी कोई आता है अपना एक माला ले आता है, जो भी श्रद्धा भाव से इनको चढ़ाते हैं वो चढ़ाते हैं सारे लोग मिल के। और इसी के साथ साथ यहाँ पर माता को भोग और जो भी पूजा सामग्री होती है वो सारे चीज़ यहाँ पे लाए जाते हैं। और साथ में आप भीड़ भी तो देख सकते हैं कि गाइस यहाँ पे बहुत सारी भीड़ एकत्रित हो गई है और यहाँ पे लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पे उनको प्रसाद के भोग लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बूंदी के लड्डू देख सकते हैं कि यहाँ पे बूंदी के लड्डू चढ़ाए गए और चढ़ाने के बाद यहाँ पर सारे लोग में ये प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। और जो जो भी लोग अपने घर से आते हैं तो कोई अपने घर से माला, फूल, लकड़ी, प्रसाद, कपूर, अबीर, ऐसे सारे चीज़ें लोग लाते हैं जो कि होलिका में वो चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं। और यहाँ पे पूजा सामग्री के लिए आप देख सकते हैं कि 4 दिए लगे हुए हैं, इसी के अंदर सारे सामान रखाएंगे आपका, हल्दी, कुमकुम, हल्दी, रोरी, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं वो सब सारे यहाँ पे रखे जाएंगे। और इसके साथ इनकी और भी पूजा होंगी और पूजा होने के बाद ये प्रसाद भी सारे लोगों में वितरण किए जाएंगे। और साथ में ये आप देख सकते हैं गुलाब जल भी यहाँ पर आपका चारों साइड छिड़के जा रहे हैं यहाँ पर। और इसी के साथ आप सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्दी सारा चीज़ चढ़ गया और यहाँ पे आतिशबाजी भी बहुत शानदार हो रही है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि अब अगरबत्ती उगती जल रही है और इसके साथ ये आरती होने वाली है, गंगा जल आ गए हैं और यहाँ पे सारा रख के। सो गाइस, बस ये लास्ट पूजा चल रहा है, पूजा होने के बाद ही बस इसमें आग लगने वाला है। उसके बस 5 मिनट और टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है यहाँ पर, बस यहाँ से बस 5 मिनट के बाद इसमें आग लगती है। वीडियो में सो गाइस बने रहिए अभी। सो गाइस, आप यहाँ भीड़ भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है ऑलरेडी। तो
तो गाइस पीछे बैक साइड मेरा देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ भीड़ है, क्राउड ज़्यादा हो गया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इधर सब लोगों को प्रसाद बांटेंगे, और प्रसाद बांटने के बाद तुरंत लोगों को भाई देख रहे हैं यहाँ पे मिठाई के लिए कितना लोग चिल्ली चिल्ला किए हैं प्रसाद के लिए। सो गाइस आप देख सकते हैं गाइस आग लग चुकी है आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा हट जाओ। तो गाइस ये गलती से गिर गया है और आग आप देख सकते हैं कि पूरी की तरह ये आग लग चुकी है। और पीछे आप बैक साइड देख सकते हैं कि पूरी होलिका में आग लग चुका है और साथ में यहीं पर आतिशबाजी भी हो रही है, अपने पटाखा वटाखा भी सारे चीज़ जल रहा है। तो गाइस बहुत ही ज्यादा इसमें लहक हो गया है, अब बहुत ज्यादा आँच यहाँ तक मार रहा है। हाँ जल्दी 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 जलिएगा दोनों तरफ। हे गाइस यहाँ पर आपका आग होलिका दहन लग चुका तो है, लेकिन हाँ साथ में आतिशबाजी भी साथ में हो रहा है और लोग डीजे वीजे खूब साउंड बॉक्स बजा के खूब नाच गा भी रहे हैं। मेरे पीछे साइड मैं स्पीकर बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर नहीं किया हूँ, मैं अपनी वॉइस डाल के इसमें बात कर रहा हूँ क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि इस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। सो गाइस इसलिए मैं साउंड को थोड़ा धीमा किया हूँ, अपनी वॉइस डाल के मैं बात कर रहा हूँ। सो हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना समझ में आए, बट हाँ मुझे वॉइस डालनी पड़ रही है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें होलिका में कितना ज़्यादा आग लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा भड़कता हुआ जा रहा है और यहाँ भीड़ भी काफ़ी हो चुकी है। मेरे पीछे बैक साइड आप देख सकते हैं यहाँ। तो गाइस यहाँ पे लहक जो है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला है और आँच यहाँ तक अभी तक मुझे लग रहा है, और पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा आप बहुत ज़्यादा हैवी ऊपर लहक भी आ रहा है इसमें। सो गाइस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पीछे आपका होलिका दहन हो चुका है और उसके बाद सारे लड़के मिल के कुछ म्यूज़िक पे डांस कर रहे हैं, साउंड बॉक्स लगा है और खूब थुमके लग रहे हैं। पूरे कॉलोनी के सारे लड़के यहाँ मिलके एंजॉय करेंगे सारी रात और सुबह होते ही होली खेलेंगे यहाँ पर, और एक अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं। मैं वहाँ से जल्दी से चला आया और साथ आप सभी लोगों को विश यू हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और
क्या बोल सकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिए कब आता है। कोशिश रहेगा कि मैं जल्दी किसी टॉपिक पर फिर वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।